निजामाबाद जिले के सभी माताओं बहनों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं। जब मैं यहां आया हूं तब नवनाथ सिद्धेश्वर स्वामी को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। माताओं भाइयों बहनों, ये तेलंगाना में बीआरएस सरकार ने 10 साल में तेलंगाना को बिल्कुल बर्बाद कर रख दिया। इन्होंने जितने भी वादे किए थे वो सारे वादों पर केसीआर खरे नहीं उतरे। उन्होंने कोई काम नहीं किया है, एकमात्र काम किया है केटीआर के लिए हजारों करोड़ रुपए का करप्शन करने का काम इन्होंने किया। भाइयों और बहनों, यहां की ही बात करें, आरटीसी बस डेपो की भूमि पूजन 1988 में हुआ था, मगर इसका बस डेपो आज भी नहीं बना। और यहां के विधायक बस डेपो के लिए एलोटेड भूमि को कब्जा करकर वहां शॉपिंग सेंटर बना दिए। अब भाई, शॉपिंग सेंटर में बस खड़ी रह सकती है क्या? रह सकती है क्या? मैं केसीआर को पूछना चाहता हूं, अगर विधायक ने शॉपिंग सेंटर बस स्टेशन की जगह पे बना दिया तो आपने टिकट क्यों दिया? अरे भाई, क्या आप समझ नहीं रहे हो, टिकट का भी वहां डीलिंग होता है, डीलिंग होता है। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि हम नेशनल टर्मेरिक बोर्ड बनाएंगे हल्दी के किसानों के लिए, जिससे हल्दी के किसानों को अच्छे दाम भी मिलेंगे, वैल्यू चेन बनेगी, एक्सपोर्ट भी होगा और हल्दी से दवाइयां बनने का बढ़ोतरी के लिए रिसर्च भी हम चालू कराएंगे। हमने तय किया है निजामाबाद जिले में बहुत बीडी वर्कर्स है, 500 बेड का बीडी वर्कर्स के लिए एक्सक्लूसिव अस्पताल भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। हमारे उत्तर तेलंगाना से लाखों लाखों लोग गल्फ कंट्रीज में और दुनिया भर में जाते हैं। हमने तय किया है कि एक एनआरआई मिनिस्ट्री उनके लिए बनाकर उनकी चिंता करने का काम करेंगे। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी ने तय किया है हैदराबाद लिबरेशन डे, तेलंगाना विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? एक केसीआर रजाकारों के डर से, ओवैसी के डर से हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम हैदराबाद विमोचन दिन को राज्य के दिन के रूप में बनाएंगे। ये हजारों करोड़ का घोटाला केसीआर ने किया है। केसीआर को लगता है कि कुछ नहीं होगा। केसीआर, चैन की नींद मत सो, आपका समय अब समाप्त हो चुका है। जितने भी घोटाले किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जांच करकर भ्रष्टाचार करने वालों को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, केसीआर ने गत चुनाव में कहा था हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, 2014 में कहा था, मगर नहीं बनाया। आज मैं आप सबके बीच में कहकर जाता हूं,
आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, हम बैकवर्ड क्लास से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बैकवर्ड क्लास से भाई और बहनों, हमने तय किया है, मोदी जी ने पेट्रोल पर कस्टम ड्यूटी कम की, मगर केसीआर जीएसटी कम नहीं करते हैं। हमने तय किया है कि भाजपा की पहली कैबिनेट में ही जीएसटी कम कर पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे। हमने तय किया है कि धान की खरीदी 3100 रुपया 3100 रुपीज पर क्विंटल जितना भी ध्यान है वो खरीद लेंगे। हमने तय किया है कि आपका जो बॉइल राइस है वो केसीआर नहीं खरीदते हैं, बॉइल राइस को भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और अब किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका कोई प्रीमियम नहीं भरना है, वो भाजपा सरकार भरेगी, ये हमने तय कर दिया है। और उज्ज्वला लाभार्थी जितने भी माताएं बहनें बैठी हैं, एक साल में 4 गैस के सिलेंडर हम फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में सबसे पहले नंबर का बनने जा रहा है। अब समय आ गया है कि हमारा तेलंगाना राज्य समग्र देश में एक नंबर का राज्य बने, ऐसी सरकार यहां पर लानी है। एक कांग्रेस पार्टी और केसीआर की पार्टी बीआरएस ये तेलंगाना को एक नंबर का राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि वहां मंत्री बनाने के लिए डाइनिंग टेबल पर टेंडर निकालकर कोटेशन मांगकर कौन ज्यादा पैसा देता है वो मंत्री बनता है, जो जनता का आदमी है वो मंत्री नहीं बनता है। केसीआर को कौन पैसा देगा, कांग्रेस पार्टी को कौन पैसा देगा, वो मिनिस्टर बनता है। ये भ्रष्टाचारी केसीआर को हटाने का समय आ गया है। मित्रों, पिछले 7 साल में टीएसपीएससी की परीक्षा में 6 कैटेगरी में पेपर लीक हुए और केसीआर का पेट का पानी नहीं हिलता है। हमने तय किया है कि 2.5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से मेरिट पर नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और जिन जिन लोगों ने पेपर लीक किया है वो सारे लोगों को हम जेल के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, केसीआर की सरकार ने भ्रष्टाचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मियापुर भूमि घोटाला 4000 करोड़ का स्कैम, आउटर रिंग घोटाला, कालेश्वरम परियोजना घोटाला, कविता जी का शराब घोटाला, चेवेल्ला में 1000 करोड़ का घोटाला, ग्रेनाइट घोटाला, सीएजी ऑडिट में पता चला कि कार्तिकीय मिशन में 22000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी काम समाप्त नहीं होता है। मित्रों, और ये केसीआर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। केसीआर का चुनाव चिन्ह कार है, कार मालूम है ना आपको, कार है, मगर कार का स्टीयरिंग केसीआर के हाथ में नहीं है, ये ओवेसी बंधुओं के हाथ में है। उसकी सरकार वो चलाते हैं, उन्होंने 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया है। मैं आज कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो,
4% मुस्लिम आरक्षण हम रद्द करकर ओबीसी और एसटी को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध सरकार है। अब अंत में मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखी, मोदी जी ने 2019 में इसका शिलान्यास किया और 22 जनवरी 2024 को इसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। आप मुझे बताओ, आप सभी को रामलल्ला का दर्शन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? खर्चा होगा ना? करना मत, डरना भी मत। तेलंगाना में भाजपा सरकार सभी को बारी बारी रामलल्ला का दर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट करा देगी। मुझे बताओ, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाओगे? जोर से बोलो, दबाओगे? हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताओगे? तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।